है। घास के लिए जंगल में गई। शाम ढलने ही वाली थी कि उसने देखा एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव आ रहा था। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफी कम हो गई, लेकिन अब वह दोनों कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धसने लगी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धसने लगा। दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वह बाघ उसे नहीं पकड़ पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच ही में एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मुझे किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितेशी कोई नहीं होता, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, हमारी इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन का प्रतीक है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।